सो क्या है वो इंट्रोडक्शन. सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव थियर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड. आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एंटेक कॉमर्स एंड फॉर पेपर वन. एंड यह मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. आप सभी स्टूडेंट्स इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर जुड़ सकते हैं और एनटीयूजीसी नेट के लिए. और आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप कोई बच्चा स्किप ना करे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है आप सभी बच्चे लोग जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, आप उन सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है. तो चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को भी मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा. सभी बच्चों से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फिर आप सभी बच्चों के लिए कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप सभी स्टूडेंट्स के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है. चलिए और अगर बात करें आगे हम, तो आप सभी बच्चों के लिए ये कुछ प्लस और आइकोनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए आप सभी बच्चों को पीडीएफ्स कोर्सेस मिल रहे हैं, आप सभी बच्चों को लाइव टेस्ट क्विजेस मिल रहे हैं. आप आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं साथियों, तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेस, पीडीएफ, लाइव टेस्ट के साथ आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा. हर डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग वे में. प्रिपेटरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा. आपको एंट्री प्रिपरेशन के लिए एसओपीज प्रोवाइड किए जाएंगे. साथियों आप सभी बच्चे लोगों को इस कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं, आपके दोनों ही कोर्स में आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है. वो कोड क्या है अभी, 101. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे. प्लस और आइकॉनिक के बच्चों, आप सभी बच्चे लोग जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये आपका पेज ओपन होकर आता है. आप यहाँ पे जहाँ डेमो लाइव लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक कोड इस्तेमाल करना, वो है कोड क्या, अभी 101, ABHI 101. और आपको फिर अप्लाई कर देना है 10% इन जो भी आपको प्राइसेस शो हो रहा है यहाँ पे, प्राइसेस में तुरंत इंस्टेंट 10% कम हो जाएगा, ठीक है. तो प्लस आइकॉनिक ये कुछ बेनिफिट्स रहे इनके, और आप सभी बच्चे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इसको ज्वाइन करना है. तो प्लस आइकॉनिक के ये बेनिफिट्स को आप लोगों को ज्यादा ज्यादा एक्सेस करना है, ठीक है. कंप्लीट बैच ये आप सभी बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेस लेकर. और आप सभी बच्चे लोगों के लिए एस्पायर बैच हो चुके हैं, तो आप इन बैचेस को जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करें. ये कुछ टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाए गए हैं, तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करेंगे आप सभी बच्चे लोग. कॉमर्स के लिए है, ज्योग्राफी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, ठीक है. तो आपके पास बक्स बाउंड्री अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. इनअप्रोप्रिएट कंटेंट कुछ भी लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं. प्राइज के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके. स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव हलनर्स के लिए पोल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना. डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस ले सकते हैं,
ठीक है। अपकमिंग स्पेशल्स, रिकॉर्डेड स्पेशल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप सभी बच्चे लोगों के लिए 6 मंथ का जो अब तो वो जा चुका है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर था। आपके पास टारगेट JRF के लिए 2022 के लिए, आप सभी बच्चों के पास ऑप्शन है। लक्ष्य 2022 के लिए आपके पास, पेपर वन के लिए काफी टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं भी आप लोगों के लिए जरूर लिस्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। सो क्या है ये अपने क्वेश्चंस, पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वैल्यू एजुकेशन, आपके वैल्यू एजुकेशन को सबसे बेस्ट तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है। तो जल्दी से बताएंगे इन पॉइंट्स में से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स वैल्यू एजुकेशन, इट इज अ कोर्स इन अ मोरल साइंस, इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर वंस ओन एक्शंस, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द इमिटेट एडल्ट बिहेवियर्स पर्टिकुलरली दैट ऑफ दियर पेरेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर दियर ओन इनर सेल्फ। तो क्या क्या आंसर सही होगा आपको जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी सी डी। इट टॉक्स अबाउट द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर ओन्स एक्शंस, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व इमीडिएट एडल्ट बिहेवियर्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ओन इनर सेल्फ, ठीक है। तो यह बड़ा जरूरी होता है, साथ अपने आंतरिक और स्व जांच की ओर खोज करते हैं जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो बताएंगे GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज टू द एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन इन गिवन स्कूल ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स एक्सप्लेन द एलिजिबल ऑफिशियल पॉपुलेशन इन दिस रिगार्ड, 16 टू 21, 17 टू 22, या फिर 18 टू 23, 19 टू 24। तो 17 से 22 साल, ठीक है, 17 to 22 वर्ष तक, सॉरी ईयर्स तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक प्राचीन केंद्र तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तक्षशिला, एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया, वाज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 1980, 1982, 1984, 1986। सो क्या उत्तर होगा। चलिए तो 1980, 1982, 1984 या 1986। सो 1980, द तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 1982,
ईयर ऑफ 1980, 1980 में ध्यान रखेंगे यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल था, ठीक है। 1980 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, जिसके नाम है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाज लॉन्च्ड इन। राष्ट्रीय उच्चतर प्रशिक्षण सॉरी शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। को शुरू किया गया था कब? चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। तो चार आंसर आपका बिल्कुल से बहुत ही बढ़िया, कम से कम इतना तो चलो इस बात की खुशी होती है कि भाई बच्चे एकदम अब आंसर एकदम सही करते हैं। पेपर के लिए एकदम हमारे सभी साथी तैयार हो गए हैं, बस अब क्या है कि बस पेपर देने की देरी है, ठीक है। तो 2013 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 2013, आंसर नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शैक्षिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रमिक अनुक्रम की पहचान करें। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑप्टिंग फॉर एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स। ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर कनाडा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बी ए ई सी डी, सी डी ई ए बी, बी ई डी बी, डी ई बी सी ए, ए बी डी ई सी। सो क्या होगा आंसर, चलिए फटाफट बताएंगे। वन यूनाइटेड स्टेट पहले, ठीक, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की बारी आती है, फिर कनाडा की बारी आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया की, भैया इंडिया सबसे लास्ट में। इंडिया सारे जहां से अच्छा। MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम एरिया स्टैंड फॉर। MHRD भारत सरकार योजना। MRI का अर्थ क्या है, सॉरी ARII का अर्थ क्या है? चलो सो बताएंगे, ARII स्टैंड फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन 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 अचीवमेंट, ARIIA, मतलब या फिर आप यहां पे लिख लीजिए ए, ठीक है। अटल रैंकिंग फॉर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका फुल फॉर्म है ARIIA का। ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे एक चीज कि आपको इसी क्वेश्चन को सिर्फ स्टैंड फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, वहां पे सिर्फ लिख देगा ARIIA का फुल फॉर्म क्या होता है, MHRD का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना। तो यह भी दे सकता है, उल्टा भी दे सकता है जस्ट इसका, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन प्रशिक्षण संस्था गंगा नदी के तट पर स्थित है? नालंदा यूनिवर्सिटी, पुष्पागिरिनी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला? पुष्पागृह, पुष्पा, ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स, ऐसे बोलता ना, तो इससे याद रखेंगे, ठीक है? गंगा मतलब ऐसे सुना टीयर्स की बात हो रही है, रिवर या गंगा जो भी आप बात करेंगे, रिवर मतलब पानी, पानी मतलब टीयर्स, टीयर्स और आपका पुष्पा से तो, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं भाई, है ना, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान रखेंगे ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है? गंगा रिवर की बात हो रही तो वहां पे पुष्पा की बात होगी, ठीक है, मतलब पुष्पागिरी रिवर, ठीक है? चलिए, एज पर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF के अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट बी वोकेशन नलाइजेशन डिग्री प्रोग्राम रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी क्रेडिट्स ऑफ कोर्स वर्क? राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्नातक बी वोक डिग्री प्रोग्राम को कोर्स वर्क के कितने क्रेडिट पूरा करने की आवश्यकता होती है? 60, 80, 120 या 180? चलिए बताइए। चलिए, फोर, 180 क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन को कंप्लीट प्रोग्राम को करने के लिए, ठीक है? चलिए, पूरा कंप्लीट कोर्स वर्क करने के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ई शोध सिंधु प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एक्सेस टू। MHRD भारत सरकार पहल ई शोध सिंधु छात्रों और शोधकर्ताओं को पहुंच प्रदान करती है। इंडियन PhD थेसिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई जर्नल्स या प्लेग्योरिज्म सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेनिंग इन एनालिटिकल टेक्निक्स, विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन कर देना। तो यह आपका सही आंसर कौन सा होगा? ओनली 30 सेकंड बचा होगा, और ये ध्यान रखना बच्चों, कभी आप लोगों को हो सकता है 1 मिनट में बड़ा क्वेश्चन पढ़ने को मिले, 1 मिनट में छोटा क्वेश्चन, तो टाइम आपके पास 1 ही मिनट है यहाँ पे भी, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अभी आंसर करना है, इसी प्रैक्टिस के साथ आपको पेपर में भी आंसर करना है, और बाकी आप लोगों के लिए पेपर वन के लिए फिर से एक कंप्लीट बैच आ रहा है, तो उस बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ई जनरल से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, चलिए, ठीक है, चलिए, तो डू आपका ई जनरल से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द एम सॉरी मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है?
मतलब क्या एंशियंट टाइम में सबसे ज्यादा मुख्य शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा होगा? इमेंसिपेशन ऑफ लिबरेशन, मुक्ति या मुक्ति, है ना? मतलब लिबरेशन का भी मतलब होता है, इमेंसिपेशन का वही मतलब होता है फ्री कर देना, फ्रीडम दे देना, लिबरेशन का भी मतलब होता है फ्री कर देना, या मटेरियल डेवलपमेंट, सामग्री का विकास करना, ये मेन उद्देश्य होता है शिक्षा का था, या फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए इस कारण की वजह से शिक्षा का मेन उद्देश्य रखा गया था, या इनकल्केशन ऑफ सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों का समावेशन। चलिए चलिए, वन इमेंसिपेशन ऑफ लिबरेशन की मतलब एक्चुअल मतलब इसका यही है कि अपने लाइफ के साथ आप अपनी चीजों को जान सको, अपने आप को ओपन कर सको, अपने आप को फ्री कर सको, आजाद कर सको। मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई चीज, देखिए ज्ञान का भंडार ऐसा होता है, ध्यान से समझिए, जब ज्ञान का भंडार ऐसा होता है कि आप अपने बारे में जान लेते हो, सिस्टम के बारे में जान चुके होते हो, आप अपने सोसाइटी के बारे में जान चुके हो, तो आपको पूरा फ्रीडम होता है कि आपका सोचना, समझना आपके ऊपर, क्योंकि उसके बारे में पूरा ज्ञान है आपको, क्या सही है क्या गलत है सब आपके ऊपर, पूरी तरीके से आप फ्री हो, किसी के दबाव में नहीं हो। तो ये पुराने सिस्टम का मेन इसका उद्देश्य होता था कि कोई भी, जब जो मतलब एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य यही करना था कि आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर सको, है ना? और आज भी यही चीज है कि आप अपने आप को, अगर मेन एम देखा जाए तो आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर सकते हो पढ़ाई के प्रति, मतलब पढ़ाई के प्रति नहीं, पढ़ाई करके उसके बाद, ठीक है? चलिए, वरना फिर अज्ञानिकता से एकदम भरे हो गए तो वो चीज सही नहीं है, फिर फ्री कभी नहीं हो पाएंगे, है ना? चलिए, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इट वॉज एम्फेसाइज्ड बाई उच्च शिक्षा तक पहुंच के अवसर का विस्तार करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है, द्वारा जोर दिया गया था किसके? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, द एजुकेशन कमीशन 1964-66, या द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। चलिए, तो एनपीई 1986, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज ऑन 1986 वाला, ठीक है, यह बिल्कुल सही आंसर होगा, चार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर पिलर्स, पिलर्स लिखा है, फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन मेंशन इन डेलर्स कमीशन रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द इंडियन वैल्यू ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। आज भी हमारे देश के अंदर ये चलता है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? तो जल्दी से बताएंगे, वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, या लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। तो बताएं इसका मतलब, आप यहां आंसर करेंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब। चलिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर, हमेशा हमारे देश के अंदर यह सिखाया जाता है क्या कि यूनिटी बनाकर रखें, हमेशा एक दूसरे के बीच भाईचारा, प्यार, प्रेम बनाकर रखें। क्यों बोला जाता है ऐसा, है कि नहीं, क्यों बोला जाता है ऐसा?
उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों को सबको आ रहा होगा। है कि नहीं, क्यों ऐसा बोला जाता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति यूनिटी का भावना रखें, एक दूसरे के प्रति भाईचारा प्रेम व्यवहार बनाकर रखें, ऐसा क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बनाकर रखें। और यही एक कारण है कि आज तक किसी भी प्रकार का हमारी किसी देश से लड़ाई नहीं होती है। पाकिस्तान कितना भी हम पे हमला करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने का कोशिश करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि समझाएं उनको, समझाएं समझाएं और समझाएं, बट मानते ही नहीं वो लोग, यार क्या करें, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दो, बच्चे हैं अभी। ठीक है, चलो। MHSRD स्कीम विद्वान इज एम्ड एट, MHSRD की योजना विद्वान का उद्देश्य क्या है? क्रिएटिंग ए डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेस, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग फैकल्टी, अवॉर्डिंग नेशनल प्रोफेसरशिप टू अ फैकल्टी। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए, MHRD की योजना विद्वान के उद्देश्य है एक डाटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क बनाना, इस संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षकों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, किसी फैकल्टी को राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप प्रदान करना। ठीक है, चलिए। क्रिएटिंग अ डाटाबेस नेशनल रिसर्च नेटवर्क, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की अनुशंसा किस सीमित आयोग ने की थी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ द UGC के, या फिर जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर्स एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, या रामामूर्ति कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, या चट्टोपाध्याय कमिटी ऑन टीचर एजुकेशन। सो क्या आपका सही आंसर होगा? चलिए फटाफट बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। विच कमेटी कमीशन रिकमेंडेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन? चलिए, सो वन विल बी योर राइट आंसर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमिटी ऑफ द UGC। ठीक है, ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। UGC का जहां नाम आ गया वहां तो पेपर, जब बच्चे UGC वाले तैयारी कर रहे हैं तो UGC नेट की तरह तैयारी करो, वो बिना सोच समझे वही आंसर दे देते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन NSQF, द लेवल एंड लेवल 8 कॉम्पिटेंसी इज इक्वल्स टू या इक्विवेलेंट टू राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्तर 8 योग्यता के बराबर है किसके? पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बराबर है, अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री के बराबर है, डॉक्टरल डिग्री की बराबर है। तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा आपका सही, फटाफट। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार स्तर 8 की योग्यता किसके बराबर है? स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री के तहत अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री, या फिर डॉक्टरेट की डिग्री? सो आंसर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज ऑनर्स की डिग्री के बराबर है। ठीक है, किसके? ऑनर्स की डिग्री के बराबर है, ऑनर्स की डिग्री के बराबर है। ठीक है, दैट इज अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स। ठीक है, चलिए, तो 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कंटिन्यू 2 पे ए हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं होगा। रुको, लेकिन किसकी यार बराबर, 8 कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है ना, तो ऑनर्स की डिग्री कैसे होगी? ऑनर्स की डिग्री कैसे होगी? अगर
अच्छा कॉम्पिटेंसी एट की बात हो रही है, एट लेवल की बात हो रही है, नहीं बच्चों ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी, ये आपका थोड़ा सा राइट आंसर होगा, ठीक है, ए हो, ए नहीं हो, ये होगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। चलिए ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल पोस्ट होगा उसका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होता है ना। चलिए नहीं, वो आपका वन ही होगा आंसर, वो बाय मिस्टेक वो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। लेवल एट की बात करें तो मैं भूल गया था, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था, ठीक है, वो मास्टर्स प्रोग्राम्स की डिग्री होगी, मतलब वो आंसर वन होगा उसका। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर बच्चों के अंदर होता है तो आना, आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक सभी बच्चों को कर देना है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके साथियों। और आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करेंगे। मिलते हैं एक फिर से छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।